भाजप युवा मोर्चाना अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या जे अमदावादी मुलाकाते आव्या छे त्यारे तेमणे महत्वपूर्ण निवेदन कर्युं छे। तेमणे कह्युं के केन्द्र सरकार युवाओ माटे नवी स्कीम लावी रही छे। तेमणे आ मोटुं निवेदन कर्युं छे। तेजस्वी सूर्याए आ निवेदन कर्युं अने कह्युं के स्टार्टअप इंडिया सहितनी योजनाओ युवाओ माटे ज छे। बेरोजगारी ए पड़कार छे जेने पूर्ण रीते नाबूद करवाना प्रयत्नो अत्यारे केन्द्र सरकार करी रही छे। राहुल गांधी पर पण कटाक्ष कर्यो अने कह्युं के तेओ मात्र चूंटणी सभाए ज मंदिरोमां न जाय। केन्द्र सरकार युवाओने लईने कई कई योजनाओ लावी छे अने शुं आवनारा समयमां करशे तेनुं पण तेमणे पोताना निवेदनमां समावेश कर्यो हतो। स्टार्टअप इंडिया सहितनी योजनाओनो तेमणे उल्लेख कर्यो अने कह्युं के आ योजनाओ युवाओ माटे ज छे। बेरोजगारीने लईने पण तेઓએ વાત કરી અને કહ્યું કે એક પડકાર છે અને તેણે નિસ્નાબૂદ કરવા માટેના સતત પ્રયત્નો કેન્દ્ર સરકાર તરફથી કરવામાં આવી રહ્યા છે। રાહુલ ગાંધીને પણ તેમણે આડે હાથ લીધા। ભારતીય જનતા પાર્ટી યુવા મોરચાના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અને સાંસદ યુવા સાંસદ તેજસ્વી સૂર્યા આપની સાથે છે। તેજસ્વીજી, આપને બહુત સારી બાતે કી હૈ યુવાઓ કે બારેમાં। કિસ તરહ કા યુવા ભારત आपने कहा, लेकिन किस तरह का युवा भारत हम ब्रीफ में अगर जानना चाहें। युवा भारत देश को आगे बढ़ाने का सोच में काम कर रहे हैं, देश में तेज गति से प्रगति लाने के लिए काम कर रहे हैं। आम युवा भी बड़े बड़े सोच और ड्रीम्स के साथ हर दिन मेहनत करके काम कर रहे हैं। दीज आर द फैक्टर्स एंड कैरेक्टर्स ऑफ अ न्यू इंडिया। Problem solving is a character of New India. Clean politics is a sign of New India. Prosperity and growth for all is a sign of New India. Sabka saath, sabka vikas, sabka vishwas aur sabka prayas is a sign of New India. The love for the Prime Minister is a symbol of New India. पिछले कोरोना काल की अगर बात करें तो बहुत सारी दिक्कतें लोगों के सामने आई हैं। बेरोजगारी की अगर बात करें तो कई युवाओं के रोजगार गए हैं। फोर्ड इंडिया की हम बात करते हैं, यहाँ पे 4000 के करीब, पर उसके साथ जुड़े हुए कई सारे लोग और हैं, उनके बारे में क्या सोचा जा रहा है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भारत जैसे बड़े आबादी राष्ट्र में एक चैलेंज है, सब सरकार के लिए एक चैलेंज है। और प्रधानमंत्री जी पिछले 7 साल में लगातार ये दृष्टिकोण से ये मामले को सामना करने के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन हो, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन हो, मुद्रा योजना हो, बहुत सारे FDI का अट्रैक्शन हो, ये सब जो काम हो रहा है वो सब एम्प्लॉयमेंट को सृजन करने के लिए, रोजगार को जनरेट करने के लिए वो दृष्टिकोण से ही किया जा रहा है। फोर्ड का जो विचार आप प्रश्न पूछा वो इट वॉज अ बिजनेस डिसीजन, दे वर बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटेटिवनेस ऑफ द इंडियन ऑटोमोटिव मार्केट। बट इफ यू लुक एट द ओवरऑल इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, वी हैव बीन डूइंग एक्सेप्शनली वेल, वी हैव बीन क्रिएटिंग ग्रेट नंबर ऑफ जॉब्स एंड ऑल्सो सेल्फ एम्प्लॉइंग अ लॉट ऑफ यंग पीपल। उस दृष्टिकोण से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। आखिरी और पॉलिटिकल सवाल ये है कि राहुल गांधी ने वैष्णो देवी का प्रवास किया, वहां पे जाके आशीर्वाद भी लिया। BJYM के कार्यकर्ताओं ने वहां पर गंगा जल से उस रास्ते को धोया। राहुल गांधी ने एक स्टेटमेंट और दिया है कि ये फेक हिंदुत्व है, झूठे हिंदू है, वो BJP और RSS के ऊपर प्रहार किया है। आप उसको कैसे जवाब दें? राहुल गांधी जी जब इलेक्शंस आते हैं तब मंदिर जाते हैं, पूरा देश इसको जानता है। फेक हिंदुत्व, फेक हिंदुइज्म कौन प्रैक्टिस करता है वो भी देश पूरा जानता है। मैं राहुल गांधी जी से बस इतना ही निवेदन करता हूँ, आप ज़रूर मंदिर जाइए, पर चुनाव के सीज़न के बाहर भी आप दर्शन करने का आदत आप थोड़ा शुरू कीजिए। तो तेजस्वी सूर्या जेमनू कहेवू छे के युवाओ माटे पण जे छे ए स्टेप्स लेवाई रह्या छे अने साथे ज साथे जे प्रकारनी स्थिति भारतमां अत्यारे पण छे कोरोना पछीनी, त्यारे ए स्थितिने पण निवारवा माटेना संपूर्ण प्रयास केन्द्र सरकार करी रही छे। कैमरामेन दीपक सैन साथे सचिन पाटिल, TV9 अमदावाद।